दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके टीवी के बटन काम नहीं करते, इस तरह के आप साइड पे देख सकते हैं ये बटन है, तो अक्सर औकात ये बटन लॉक हो जाते हैं। जिस तरह ये हम अब एक बटन दबाएंगे तो ये रहे स्क्रीन पे की लॉक का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह जब भी आप पैनल से कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपको की लॉक का जो है ना प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा उसका। तो इस प्रॉब्लम्स को जो है हम किस तरह से ठीक करेंगे, इसके बारे में आपको दो तीन तरीके का जो यूज़ किए जाते हैं वो बताएंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास रिमोट है तो उसके ज़रिए भी आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इस मसले को ठीक करना है। अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल नहीं है तो उस तरीके से भी आप ये किस तरह से, अगर आपका रिमोट ख़राब हो चुका है तो उसके ज़रिए भी बग़ैर रिमोट कंट्रोल के भी आप ये जो बटन है इनको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये अक्सर औकात ज़्यादातर जो मसला है ये चाइना के टीवी में आता है। ये आपके सामने एक चाइना का टीवी है, इसके अभी आपको ये लॉक का जो है प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है कि इसके ये की लॉक लिख के आ रहा है। तो ये भी चाइना का टीवी है। इस तरह के जो चाइना के टीवी होते हैं उनमें ज़्यादा मसला आता है, इसके अलावा बाकी जो ब्रांड के टीवी उनमें भी ये प्रॉब्लम आता है। तो ये जो तरीक़ेकार आपको बताएंगे ये तकरीबन मैक्सिमम जो टीवी हैं वो इस तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार है, आप अपना रिमोट ले लें जो भी आपका टीवी है, तो उसमें जो ज़्यादा तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं उसमें आपने सबसे पहले मेन्यू, उसके बाद आपने 1147 जल्दी जल्दी प्रेस करना है, 3 सेकंड के अंदर तो आपके पास ये मेन्यू खुल जाता है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल है तो सबसे नीचे आएँ तो ये ऑप्शन है शिपिंग मोड। आपको शिपिंग अनटिल के भी नाम से भी मिल सकता है या शिपिंग मोड के नाम से, ये चाइना में शिपिंग मोड या INTL लिखा होता है तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, ये शिपिंग मोड पे आप आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद आपने करना ये है कि रिमोट कंट्रोल पे आपको ये जो एरो नज़र आ रहे हैं ओके से ये काम नहीं करेगा, लेफ़्ट या राइट एरो प्रेस करेंगे। ये हम प्रेस करते हैं असल में इसके साथ, ये देखिए ये हमने प्रेस किया तो आपका जो टीवी है वो ऑफ। ये कुछ टाइम लेता है, तकरीबन 30 सेकंड भी लग सकते हैं और 1-2 मिनट भी लगते हैं। अब ये इसकी लाइट बंद हो चुकी है, इसके बाद हम इसका प्लग दोबारा लगा देंगे। प्लग हमने उतार के दोबारा लगाया तो अब थोड़ी देर बाद ये जो लाइट है ये कलर चेंज कर जाएगी तो हमारा जो टीवी है वो सही हो जाएगा, उसमें ये जो की लॉक का प्रॉब्लम था वो क्लियर हो जाएगा। अभी टीवी ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा। ये हमारा जो टीवी है ये देखें ये ऑन हो चुका है। अब इसके जो ये हमने बटन इधर से प्रेस किया है ये इसके बटन काम करने लगे हैं इसलिए ये ऑन हो गया है। तो ये सिंपल आप इसको रीसेट करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाता है, इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर भी अगर आपका टीवी इस तरह से, अब हम ये बटन प्रेस करते हैं ये देखें ये काम करने लग गए हैं, वॉल्यूम का बटन है, ये मेन्यू, सारे तकरीबन बटन ये अनलॉक हो जाएंगे। ये ऐसे कुछ लोग जिनके ये मसला रहता है टीवी में तो कभी कभी ये ठीक हो जाए, उसके बाद हफ्ते दो हफ्ते बाद दोबारा हो जाए, तो इसका ये जो की पैनल है ना आपको ये रिप्लेस करवाना पड़ता है क्योंकि ये पैनल का प्रॉब्लम होता है। इस तरीके से रीसेट करने से जो इसकी सेटिंग है वो एक बार रीसेट हो जाती है, कभी कभार ये चलता भी रहता है। तो जो चाइना में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगा तो आप इसको रिप्लेस करवाएंगे, फिर भी आपको ये आता ही रहेगा, बेहतर तरीका यही है कि आप इसको रीसेट कर लिया करें। इस तरीके से रिमोट अगर है आपके पास तो आपने ये तरीका मेन्यू दबाना है, उसके बाद 1147 ये आपके पास मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आप जो है इसके बाद ये आपको शिपिंग मोड नज़र आ रहा है, इसके लागे इसके ऊपर आके आपने राइट एरो प्रेस करना है। ये देखें दोबारा से ये आपका टीवी रिसेट हो गया है। और अब रही बात अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल नहीं है तो हमने इसको किस तरह से ठीक करना है वो भी आपको बता देते हैं। एक मिनट इससे पहले ऑन कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी ये अनलॉक हो गया है। अभी दोबारा से जो की लॉक है आप इसको दोबारा से, ये आपको इसके अंदर भी ऑप्शन मिलता है कि आपने इसके की लॉक करने हैं तो कर सकते हैं। पहले हम इसके की लॉक कर लेते हैं, वहाँ पे जाके मेन्यू पे जाएं आप, उसके बाद आप जो ऑप्शन है आपको ये मिलेगा, ये देखें। दूसरा तरीका ये भी ऑफ है,
इसको आप यहाँ से भी, यानी कि अगर आपके पास रिमोट है, एक तो रीसेट का तरीका कर बताया आपको, और यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखिए ऑन ऑफ़, ये अभी की लॉक हो चुके हैं। दोबारा आप इसको जैसे ही वापस जाएंगे, ये हम इसका कोई बटन प्रेस करते हैं, ये देखें ये की लॉक हो गए हैं दोबारा से। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है दूसरा, ये यानी कि इसको कह सकते हैं ये खुद ब खुद भी लॉक होते हैं और आप इसको खुद भी, आपको इसका कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे ये इसको ऑफ़ करें अगर ये ऑन है तो, अगर रिमोट कंट्रोल आपके पास है तो। ये देखें आप, ये जो हमारे बटन है वो फिर ठीक हो गए हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसके मेन्यू में जाके, इसके सेटिंग में जाके ना, आप इसके की को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास यानी कि काम नहीं कर रहे, आपका रिमोट कंट्रोल नहीं है आपके पास, तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपके जो ये आप पैनल देखें, आपका मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये सबसे ऊपर इसका पावर का बटन है, और उसके बाद ये इसका मेन्यू, इनपुट, वॉल्यूम के, ये अप डाउन और ये चैनल के बटन हैं। तो ये जो मैक्सिमम टीवी में प्रॉब्लम आए तो उनमें ये ऊपर वाले तीन बटन काम करते हैं, पावर, मेन्यू और इनपुट या सोर्स से कहते हैं। तो इन तीन बटनों के ज़रिए से आपने टीवी को अनलॉक करना है। अगर आपके यानी कि हम इसे लॉक कर लेते हैं पहले टीवी को, इसके हम मेन्यू में जाने के बाद ये हमने इसके की लॉक जो है ऑन कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जिट करेंगे, पावर, इनपुट और ये सोर्स या इनपुट, और उसके बाद मेन्यू के बटन तीनों को, ये आपका जो टीवी इस तरह से जब हो जाए ये अनलॉक हो गया। अभी हमारा ये टीवी अनलॉक हो गया। आपने ये दोनों बटन और पावर का बटन प्रेस करना है। तो अब प्रेस करके कोई बटन देखते हैं, ये देखें ये काम करने लग गया है। और यहाँ पर भी जो हमारे पास ऑप्शन था, हम रिमोट कंट्रोल के ज़रिए वहाँ पर जा कर देख लेते हैं। ये देखें ये की लॉक ऑफ हो चुके हैं। ये जो होते हैं ना आपके पास ये तीन बटन, अगर आपके मुख्तलिफ किस्म का टीवी है, सोनी का है या सैमसंग का है, तो वहाँ पे भी आपको ये इनपुट, मेन्यू और सोर्स का बटन जो है, इनपुट सोर्स या मेन्यू और इसके अलावा पावर का बटन मिलेगा। तो आप वहाँ पे भी ये तरीका इस्तेमाल करें और बग़ैर रिमोट कंट्रोल के जो है आपके टीवी के ये की लॉक का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाता है। तो मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, आपसे ये मसला हल नहीं होता, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है और आपको स्क्रीन पे भी हमारी वेबसाइट का लिंक जो है एड्रेस शो हो रहा है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारे सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है उसका सारा लिंक मिल जाएगा। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इसका सोलूशन बताएँगे। और आप कोशिश करें जो आपका टीवी है उसकी कुछ सेकेंड की वीडियो और उसके फ्रंट और बैक और ये बटन और बैक साइड से हमें उसकी कोई पिक्चर और वीडियो बनाकर भिजवाएं व्हाट्सएप पे, तो हम आपको उसका सलूशन देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।